कोविड-19 एक आलमी वबा के तौर पे फैली हुई है, तो इसमें हमें चाहिए कि हर इंसान, हर शख्स अपना किरदार अदा करे। मुझे असल में ट्रस्ट तो था यहाँ आके, और मैं सेटिस्फाइड मुकम्मल तौर पर हो गया। जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। वी आर इनकरेजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रायल एज मच वी कैन, बट इट्स देयर डिसीजन टू पार्टिसिपेट वॉलंटरली इन द ट्रायल। I was pretty clear about what the vaccination is for and what the process is, and with the phase 1, 2, 3 and so on. The staffs were very supportive and the environment was very nice, very quiet. The staff explained me each and everything. They cleared all my doubts and I became much confident. मैं ये वैक्सीन की जैसे ट्रायल के लिए ईमेल आई तो सबसे पहले मैं चाह रहा था कि मैं भी हिस्सा लूँ, उसमें अहम किरदार अदा कर सकूँ। जब वो हमसे पूछते हैं कि उनकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में इससे कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा या इस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, तो हम उन्हें रीअश्योर करते हैं कि इससे उनकी डेली लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल यूनिट इज़ अ GCP कम्प्लाइंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल यूनिट। मैंने 3 हफ्ते पहले इंजेक्शन लगवाया था, मैं खुश भी था उस वक्त और अभी मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस ट्रायल का हिस्सा क्यों बना। तो यहाँ की क्वालिटी, AQ की क्वालिटी और द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इज़ वेरी नाइस। आई सबमिटेड माय ब्लड सैंपल्स एंड देन आई हैव टू वेट ओनली फॉर 15 मिनट्स। ऑल एक्टिविटीज़ वर ओनली इन वन एरिया, आई डिड नॉट गो टू एनीवेयर एल्स। And as soon as I got my results cleared, I received my injection. हमें चाहिए कि हर इंसान अपना किरदार अदा करे जिससे हम खुद भी महफूज रहें और दूसरी जो आवाम है, पब्लिक है, लोग हैं, उनको भी हम अपने उस अमल से हमेशा बचा के रखें तो बेहतर है।